नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्क बांड की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्क बांड और शैतान अजूबे। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आधी रात के समय यदि चार शख्स सुनसान सड़क पर रेस लगा रहे हो तो समझ लीजिए उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। पी उस्ताद, पुलिस वाले अभी तक पीछा कर रहे हैं। चिंता मत करो, निकट ही कालीबाड़ी के खंडहर है। एक बार हम वहां पहुंच जाएं फिर पुलिस वाले हमारी परछाई भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उनके पैरों में भरी बिजली ने उन्हें जल्द ही उनके मंजिल तक पहुंचा दिया था। उफ, बड़ी मुश्किल से जान बची है। अगर पुलिस की सरगर्मियां ऐसी ही बढ़ती रही तो जल्द ही भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। उन्हें खंडहर में प्रवेश करते देख 1000 वाट के बल्ब की मानिंद चमक उठी थी किसी की आंखें। ईश्वर ने शायद मेरे लिए ही भेजा है इन चारों को। राजनगर स्थित बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसमें मौजूद हर शख्स भूत बना खड़ा था। गनों ने सबकी हरकतों एवं बोलती पर ताले लटका दिए थे। खबरदार, हम बैंक लूटने आए हैं, कोई अपनी जगह से ना हिले वरना भून कर रख देंगे। दाऊद, मैनेजर से स्ट्रांग रूम की चाबी ले। अच्छा उस्ताद, दाऊद ने मैनेजर के कक्ष की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि आए ये क्या आलिप्टा पैर से। अबे अंधे, दिखाई नहीं देता, उंगलियां हैं। और मैं हूं टोमैटो। कांप उठे थे लुटेरे इस विचित्र शख्स को देखकर। उस्ताद, ये क्या बला है। अबे मुझे क्या पता, मैंने नमूनों का पता जानने का ठेका ले रखा है क्या। और साले, तू गन हाथ में लिए जेम्स बॉन्ड क्यों बना खड़ा है। गोली मारी से तड़ाक। अच्छा उस्ताद, ट्रिगर पर कस गए उसकी उंगलियां। तभी ट्रिगर दबा तो फट पड़ी गन। हाय, मर गया उस्ताद। भड़ाक। उफ, किसने किया ये कमाल मेरा है, यानी गोलू का। और ये कमाल है मैंगो का। धड़ाक। आ, मेरा नाम है लपेटू। धड़ाक। परिचय तो हो गया, अब तुम सारे हो जाओ बेहोश। हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था उन चारों अजूबों को। कौन है ये चारों रबर के बने इंसान। ये कोई भी हो लेकिन है हमारे मददगार। हाँ, इन्होंने बैंक को लूटने से बचाया है। माफ करना दोस्तों, बैंक लूटने से सिर्फ इसलिए बचाया है ताकि इसे हम लूट सकें। क्या? जी हाँ, और अब आप में से कोई गलत हरकत ना करे इसलिए आप सभी को अपनी कैद में ले रहा हूं मैं मैनेजर के रूम से स्ट्रांग रूम की चाबी लाता हूँ। लंबी और लंबी होती चली गई गोलू की उंगली, जो मैनेजर की ड्रॉ से चाबी निकाल वापस लौट पड़ी। चाबी मिल गई प्यारो, आओ अब खाली करते हैं स्ट्रांग रूम को। चाबी मिल ही चुकी थी, अब भला स्ट्रांग रूम में पहुंचना क्या मुश्किल था। आहा, इतने सारे नोट। ला, मैं थैला बन गया, भर दो ये सारे नोट मुझ में। दोनों बिजली की सी तेजी से नोटों को समझने लगे। ठीक इसी समय बैंक के बाहर, बांड भैया, बैंक से पैसे निकलवाने के बाद मुझे गोलगप्पे खिलाओगे ना। चुब्बे, गांव अभी बसा नहीं और तुम और तुझ जैसे भिखारी पहले आ गए। बाण भैया, तुम्हारे में यही कमी है, खिलाने पिलाने के मामले में तुम बड़े कंजूस। अधूरी रह गई मोटू की बात। सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। आए ये क्या हो रहा है। रबर के बने उस विचित्र आदमी ने सब लोगों को जकड़ रखा है। सिर्फ यही नहीं बाण भैया, वो देखो सामने बैंकों में डाका पड़ रहा है। फिर तो ये टाइम है अपने एक्शन में आने का, और एक्शन की शुरुआत इस नमूने से करते हैं। धाड़। बांड के शक्तिशाली घुसे ने लेपेटियो की आत्मा तक को हिला डाला था। आ, तड़प कर छोड़ देना पड़ा था लपेटू को सभी को। और फिर चख, मुझ पर वार करने का मजा। धड़ाक। आ, तभी मोटू के तेज टक्कर ने चांद तारे दिखा दिए लपेटू को। धड़ाक। आ, अपने साथी का हाल देखकर गोलू और मैंगो ने तुरंत ही रंग बदला और दोनों ने संभाल लिया बांड एवं मोटू को। धड़ाक धड़ाक। आ,
धार धार उफ। मैंगो एवं गोलू दोनों जमकर बांध और मोटू की धुनाई करने में जुट गए थे। हाय, हमें कोई बचाओ। अबे छोड़ दे कमबख्त, मार ही डालेगा क्या। आ कुछ ही पलों बाद अपने पैरों पर खड़े रहने की हिम्मत नहीं बची थी बांड और मोटू में। हमारे काम में टांग अड़ाने का इनाम तो तुम्हें मिल गया। अब एक इनाम मैं अपनी तरफ से तुम्हें फ्री में देता हूं। मैंगो ने अपनी जेब में हाथ डाला और ढेर सारी कालिख निकाल कर कुक बांड और मोटू के चेहरे पर पोत दी। कुरपान और मोटू का बुरा हाल करने के बाद आश्चर्यजनक तरीके से वहां से रवाना हो गए चारों। देखते रहने के सिवा कर भी क्या सकते थे कुरकमान और मोटू। हमारे मुंह पर कालिख पोत गए, छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। गुस्सा छोड़ो बाण भैया, और उन चारों के बारे में सोचो कि वो कौन थे और कहां से आए थे। वो चारों जहां से भी आए हो, लेकिन इतना जरूर है कि उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। सफलतापूर्वक एक बैंक डकैती करने के बाद वे आराम से नहीं बैठने वाले। हाँ, अब हमें पूरे शहर पर निगरानी रखनी होगी। बिल्कुल। कुछ ही देर बाद शहर का एक एक कोना कुर्कबान और मोटू की निगाहों में था। इधर हो रही थी नया हंगामा होने की तैयारी। लेकिन आप इस सीक्रेट फिल्म का क्या करेंगे? एक विदेशी एजेंट से करोड़ों रुपए में सौदा किया है मैंने उस सीक्रेट फिल्म का, और उस फिल्म का सीक्रेट हाउस की सेफ से निकालकर तुम लाओगे, समझे? जी। सीक्रेट हाउस देश की सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ सुरक्षित रखे हैं। कहते हैं यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन क्या यह सुरक्षा व्यवस्था उन्हें भी रोक पाएगी जो ना इंसानों की श्रेणी में है और ना पक्षियों की? यहाँ से पहुँचना है हमें सीक्रेट हाउस, और वहां तक पहुँचने का रास्ता बनाता हूँ मैं। तेजी से बढ़ती हुई लपेटू की गर्दन जाटी की सीक्रेट हाउस की छत पर। अब सीक्रेट हाउस तक पहुंचना मुश्किल नहीं था उनके लिए। यहां तक तो आ गए, अब हमें नीचे स्थित सीक्रेट रूम तक पहुंचना है। सीढ़ियों की ओर बढ़ते चारों अनजान थे अपने सिर पर मंडराती मुसीबत से। बाण भैया, ये चारों तो वही है। हाँ मोटू, और अब मैं चखाऊंगा इन्हें कुर्क बाण दी ग्रेट का मुंह काला करने का मजा। अगले पल सुपर कार लहरा उठी नीचे की ओर। सीक्रेट हाउस का सिक्योरिटी चीफ प्रताप देश पांडे उछल पड़ा कुर्क बांड की बात सुनकर। ओह नो, ये नहीं हो सकता, ये हो चुका है मिस्टर देश पांडे, कुछ कीजिए वरना वो लोग सीक्रेट रूम तक पहुंच जाएंगे। आप ठीक कहते हैं, आइए मेरे साथ। सीक्रेट रूम की ओर बढ़ते तीनों की आंखें फटी जा रही थी गैलरी में बेहोश पड़े सुरक्षा गार्ड्स को देखकर। ये सब बेहोश कैसे हो गए? ये सब उन्हीं का कमाल है मिस्टर देश पांडे। उधर सीक्रेट रूम और बीच की रुकावट को हटाते हुए आगे बढ़ रहे थे चारों। गोलू, मैं और लपेटू इनको देख लेंगे, तुम सीक्रेट रूम तक पहुंचो। ओके। मैंगो और लपेटू ने मिलकर संभाल लिया पूरी सिक्योरिटी फोर्स को, जबकि गोलू और टोमेटो निर्विघ्न सीक्रेट रूम तक पहुंच चुके थे। ओह, सीक्रेट रूम का दरवाजा तो बंद है। दरवाजा बंद होने से हमें क्या फर्क पड़ता है गोलू? हमें तो अंदर जाने के लिए बस जरा सी जगह चाहिए, और वो जगह है दरवाजे और फर्श के बीच की ये झिर्री, और मेरे लिए ये की होल सही रहेगा। सरक गया टोमेटो दरवाजा के नीचे और गोलू समा गया की होल में। दोनों एक साथ सीक्रेट रूम में पहुंचे। सामने रखी थी वो सेफ जिसमें रखे थे कई गुप्त दस्तावेज। दरवाजे से तो अंदर आ गए, अब इसे कैसे खोलेंगे? मेरा हाथ खोलेगा इसे, इस सेफ की चाबी बनकर। चाबी मला टोमेटो का हाथ समा गया सेफ की कीहोल में। अगले क्षण क्लिक सी हल्की सी ध्वनि पैदा हुई और खुल गया सेफ का ताला। गोलू, इस सेफ में तो देश के ढेर सारे गुप्त दस्तावेज हैं।
हाँ टोमेटो, लेकिन ये देश की अमानत है, हमें इन चीजों को नहीं छेड़ना है, हमें तो सिर्फ ये माइक्रोफिल्म चाहिए। सीक्रेट फिल्म लेकर बाहर निकल आए दोनों। अपना काम हो गया, अब मैंगो और लोपेटू को साथ लेकर निकल चलो यहाँ से। तभी छपाक, उफ, ठहरो प्यारे, जाते कहाँ हो, जरा हमसे भी तो आंख मटका कर लो। तुम उछल पड़े दोनों कुर्कमान ए मोटू को देखकर। हाँ हम, और अब अपना बैंड बाजा समझो भैयो। हाँ हम, और अब अपना बैंड बजा समझो भाइयों, क्योंकि इस बार पूरी तैयारी से आए हैं हम। भड़ाक, सिक्योरिटी चीफ देश पांडे ने अपने रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन भड़ाक, इन्हें अकेला मत समझो, हम भी इनके साथ हैं। एक तो बेहोश हो गया, अब तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। तेजी से आगे बढ़े मैंगो को रोक लिया बाण की विशेष गन ने। मेरी गन से निकला ये विशेष गोंद तुम्हारे सारे शरीर को चिपका कर रख देगा। सचमुच बुरी तरह चिपक कर रह गया था मैंगो। तेरी आंखों के लिए ये ठीक रहेगा, ये नमक मिर्च का घोल। आई, तेरे लिए है ये आलपिनो का उपहार। आऊ, ये खुजली का पाउडर तुम्हें तिगनी का नाच नचा कर रख देगा। खुजा खुजा कर बुरा हाल हो गया था टोमेटो का। हाय ये खुजली, अरे कोई मेरी कमर खुजा दो रे। इधर चिपके हुए मैंगो का बुरा हाल कर रखा था मोटू ने। बेटा मेरा मुंह काला किया था ना तुम्हारे साथियों ने, आज मैं मार मार कर कचुमर निकाल दूंगा तेरा। धड़ाक धड़ाक, बाजी कुर्कमान और मोटू के हाथ में थी, जिसे जल्द ही पलट कर रख दिया टोमेटो ने। धड़ाक, हाय री मैया हाय, अब मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, बाण को मौत देने आगे बढ़ा टोमेटो तो रोक लिया उसे गोलू ने। नहीं टोमेटो, ये क्या पागलपन करने जा रहा है तू, अपने हाथों को खून से मत रंग। लेकिन इन्होंने हमें बहुत तंग किया है, हमें रोकना इनका फर्ज है पागल। छोड़ इन्हें, अपना काम तो हो ही गया, निकल चलते हैं यहां से। गोलू ठीक कह रहा है टोमेटो, हत्यारा मत बन, चल यहां से। फिर एक भी क्षण नहीं लगाया था चारों ने वहां से रवाना होने में। भड़ाक, चकित रह गए थे बांड और मोटू। वे चाहते तो हमें मार सकते थे बांड भैया। हाँ मोटू, लेकिन हमारी जान बख्श कर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वे बुरे नहीं हैं, बुरा उन्हें बनाया गया है। और उन्हें बुरा बनाने वाला कौन है ये जानने के लिए हमें किसी तरह इन चारों की असलियत जाननी होगी कि कौन है ये और कहाँ से आए हैं। लेकिन कैसे, हमारे पास तो आगे बढ़ने के लिए कोई सूत्र ही नहीं है। मेरे पास है एक सूत्र। उधर वो चारों एक बार फिर खड़े थे उसी रहस्यमय शख्स के सामने। हमने आपका ये काम भी कर दिया है, अब तो आप हमें हमारा असली रूप दे दीजिए। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं जो तुम जैसे सोने की खानों को छोड़ दूं। अभी तो तुम चारों ने मेरे लिए ना जाने ऐसे कितने कितने काम करने हैं, ये वादा खिलाफी है। तुमने तो कहा था, मैंने क्या कहा था उसे भूलकर चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ, वरना सारी जिंदगी इसी रूप में सड़ते रहोगे। झुंझलाए हुए से चारों अपने कमरे की तरफ चल पड़े। उफ, बुरी तरह फंस गए हैं हम उसके जाल में, ना जाने अब हम उसके जाल से कभी निकल भी पाएंगे या नहीं। तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें उसके चुंगल से आजाद करवा सकता हूं। चौंक उठे थे चारों उस रहस्यमय नकाबपोश को देखकर। कौन हो तुम? दोस्त, मैं तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से छुटकारा दिला सकता हूँ। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें शुरू से सारी बात बतानी होगी कि तुम उसके चुंगल में कैसे फंसे। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम सच कह रहे हो, वाकई तुम हमें बचा सकते हो? हाँ ठीक है, बताते हैं हम तुम्हें अपने बारे में। भागते भागते बदकिस्मती से आ पहुंचे हम इन खंडहरों में, और अभी हम थोड़े ही आगे चले थे कि हमारे सामने भूत की तरह आ खड़ा हुआ वो। कौन हो तुम? मुझसे डरो मत, अपना दोस्त समझो मुझे। कुछ ही पलों में हम सचमुच दोस्त की तरह ही घुल मिल गए थे। वाह क्या चुटकुला सुनाया है, वाह। इसी बात पर हो जाए एक एक जाम। जाम यहां कहां से आएगा जाम, मेरे पास सब इंतजाम है, अभी लाता हूं मैं।
झूठ नहीं कहा था उसने। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटा, वाह तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। हम चारों ने संभाल लिया एक एक जाम। कुछ अजीब सा स्वाद नहीं है इसका? बिलायती है, स्वाद तो अजीब ही होगा। बिलायती? अरे वाह, अब तब तो एक ही घूंट में पी जाओ प्यारे। लेकिन जाम खाली करते ही तड़प उठे हम चारों। आ, आ। उसी तड़पन ने हमें महसूस किया। उसी तड़पन में हमने महसूस किया कि अपने में होते आश्चर्यजनक परिवर्तन को। हैरान रह गए थे हम अपने बदले रूप को देखकर। कौन हो तुम? ये तुमने हमें क्या बला दिया? मेरा नाम प्रोफेसर रमना है। जो शराब तुमने पी है उसमें मेरे द्वारा इजाद किया गया एक खास द्रव मिला था, जिसकी बदौलत तुम चारों अब रबर के आदमी बन चुके हो। मेरे पास तुम्हें सामान्य रूप में लाने का भी फॉर्मूला है। अगर तुम मेरी बात मानते रहे तो मैं तुम्हें ठीक भी कर सकता हूँ। और इस तरह प्रोफेसर रमना के इशारों पर नाचने के लिए हम मजबूर हो गए। हम चिंता मत करो दोस्तों, अब वो दुष्ट वैज्ञानिक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कहने के साथ ही उस नकाबपोश ने अपनी जेब से एक ट्रांसमीटर निकाला और कहीं स्थापित किया। हाँ, मैं ब्लैकमैन बोल रहा हूँ। ताश के सारे पत्ते अपने हाथ में है, तुम पहुँचो। ओके, पागलों की तरह ठहाके लगा रहा था प्रोफेसर रमना अपने सामने जमा दौलत को देखकर। बेचारों, अगर इसी तरह मेरे लिए काम करते रहे तो एक दिन दौलत का ढेर लग जाएगा मेरे सामने, और फिर उसी दौलत के ढेर में मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। प्रोफेसर रमना, कौन हो तुम? यहाँ कैसे पहुंचे? लगता है आप बड़े बेचैन हो उठे हैं हमारी मोहनी सूरत देखने को, तो देख लीजिए। नकाबपोश ने हटाया नकाब तो चीख निकल गई प्रोफेसर रमना के मुंह से। कुर्कबान बजा फरमाया आपने। अब सुनिए मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। ये मशीनी खिलौना देख रहे हो, इसे ट्रांसमीटर कहते हैं। और इससे पहले कि आप मुझसे पूछे कि ये ट्रांसमीटर किससे संबंधित है, मैं खुद ही बता देता हूँ कि इसका संबंध उस माइक्रोफिल्म की डिबिया से है जो इस समय आपके पास है। और इस तरह के ट्रांसमीटर का ये गुप्त इंतजाम सीक्रेट हाउस ने इसलिए कर रखा है ताकि देश के महत्वपूर्ण राज चोरी चले जाने की सूरत में उनका पता लगाया जा सके। अब अगर तुम गधे की तरह पीटना नहीं चाहते हो तो इन चारों को सामान्य हालत में ले आओ। ओह, जल्दी फैसला कर लो प्रोफेसर रमना, वरना ये चारों तुम्हें मार मार कर तुम्हारा सुरमा बना देंगे। प्रोफेसर रमना का भूरता बनाने का ख्याल दिल से निकाल दो मिस्टर बांड। मेरे हाथ में यह जार देख रहे हो, इसमें इन चारों को सामान्य बनाने का वाला द्रव्य है। अगर ये चारों मेरी तरफ बढ़े तो इस जार को फोड़ दूंगा। जादू सा असर किया था उन पर प्रोफेसर रमना की चेतावनी ने। शाबाश, अब देखते हैं मिस्टर बांड कि कौन किसको मजा चखाता है। फिर आदेश दिया उसने चारों को, अब टूट पड़ो इस पर और तब तक इसे मारते रहो जब तक इसकी जान में जान है। सोचो मत, वरना गया ये जार। चारों पलट पड़े कुर्कबांड की तरफ। अरे ये क्या कर रहे हो, रुक जाओ, मैं तुम्हारा शुभचिंतक। धड़ाक, हमें माफ कर देना कुर्कबांड, हम मजबूर हैं। चारों के बाल घन की तरह बरसने लगे कुर्कबांड पर। धाड़ धड़ाक धाड़ आ, अपने बचाव के लिए बेबस कुर्कबांड कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ ही पलों में बेहाल कर डाला उसने बांड को। इसके हाथों से तो तू बेहाल हुआ है कुर्कबांड, लेकिन मेरे हाथों से तू मरेगा। लेकिन गोलियां उसके रिवॉल्वर से नहीं, किसी और के रिवॉल्वर से चली थी। धाएं 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 आ, धड़ाम से नीचे आ गिरा प्रोफेसर रमना का शरीर। छलाक, चीखते हुए फर्श पर फैली दवाई की तरफ दौड़े चारों। नहीं,
जवाने भर का दुख सिमट आया था चारों के चेहरे पर। प्रोफेसर के साथ साथ दवाई भी खत्म हो गई। अब कभी सामान्य नहीं हो सकेंगे हम। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें सामान्य होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सामान्य होने के बाद तुम वही मामूली चोर रह जाओगे। जबकि इस रूप में तुम सब असाधारण शक्तियों के मालिक बने रहकर मानवता की सेवा कर सकते हो। कहो, कैसा लगा मेरा विचार? चारों ने देखा एक दूसरे की तरफ, आंखों ही आंखों में हुई सहमति के इशारे। और दूसरे छल चारों लिपट गए कुर्क बांट थे। इतना बड़ा रहस्य तुमने हमें समझाया, इसके लिए धन्यवाद बांट भैया। आज तक तो हम पाप ही पाप करते रहे, अब अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। चारों ने कुर्कमांड के चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। पुछ अपने पापों का प्रायश्चित करने के बाद जब तुम जेल से बाहर आओगे तो मैं और बाण भैया तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े मिलेंगे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप टेन पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।